हरे कृष्णा, हमारे भागवत प्रभा में आपका स्वागत है। और आज हम अध्याय 7 पर चर्चा करेंगे भागवत के, जहाँ पर द्रोण पुत्र को दंड देने की चर्चा करी गई है। लोग प्रश्न पूछते हैं कि अश्वत्थामा जो द्रोण पुत्र थे, द्रोणाचार्य के पुत्र, आज भी जिंदा है। आइए चर्चा करते हैं अश्वत्थामा के इस चरित्र के बारे में इस भागवत प्रभा के। वर्णन आता है कि दुर्योधन जो थे, उनका कमांडर इन चीफ बनाया गया था अश्वत्थामा को। दुर्योधन को जब भीम ने अपने महाभारत युद्ध के काल में अपनी गदा से उसकी जांग तोड़ दी थी, तो दुर्योधन घबरा कर के पानी के नीचे जाकर के बैठ गया। पूरा युद्ध समाप्त हो जाने पर दुर्योधन धराशायी हो गया था और उसका मेरुदंड यानी कि उसकी रीढ़ की हड्डी भी टूट गई थी। ऐसी अवस्था में अश्वत्थामा उनके पास आया और आया देख करके बड़ा दुखी था। कहता है, ये तुमको क्या हो गया, ये क्या हो गया दुर्योधन तुमको? दुर्योधन कहता है, अरे कुछ नहीं हो गया, मेरी तो हालत खराब हो गई, लेकिन मैंने तुमको कमांडर इन चीफ बनाया था, तुमने भी मुझे विजय प्राप्त नहीं करा पाए। देखो पांडवों की विजय हो गई, मैं हार गया। तो इस प्रकार से जो दुर्योधन था, उसने अश्वत्थामा को दोबारा पुनः युद्ध में कौशल दिखाने के लिए उकसाया। अश्वत्थामा कहता है, चिंता मत करो मित्र, अभी मैं जीवित हूं, मैं जाऊंगा और इनके वंश को समाप्त कर दूंगा। और उसने रात्रि काल में टेंट में प्रवेश किया। जिस रात महाभारत का युद्ध 18 दिनों बाद समाप्त हुआ, उसी रात में भगवान कृष्ण ने कहा पांडवों को कि जिस रात विजय होती है उस रात सोना नहीं चाहिए, तो लोग सो मत, अभी भी दुश्मन दोबारा री अटैक कर सकता है, दोबारा आक्रमण कर सकता है। सारे पांडव निकले और टहलने लग गए, परंतु उस टेंट में पांडवों के 5 पांडवों के पुत्र शयन कर रहे थे। तो इस प्रकार से ये अश्वत्थामा अपने हाथ में तलवार लेके गया और उसने सोते हुए पांडवों को, जो कि पांडवों के पुत्र थे, उनकी सोते सोते गर्दन काटी और गर्दन काटकर बड़े से थाल में लेकर दुर्योधन के पास आया। दुर्योधन रीढ़ की हड्डी टूटने के कारण जमीन में पड़ा हुआ रो रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन मरा नहीं था, क्योंकि दुर्योधन को ये वरदान मिला हुआ था कि जिस पल तुम प्रसन्न भी होगे और रोगे भी, तभी तुम्हारी मृत्यु आएगी। तो दुर्योधन को जब पांडवों के थाल में लगे हुए गर्दन दिखाई दी, बड़ा प्रसन्न हुआ, मिल गए मुझे पांडव, अश्वत्थामा तुमने विजय प्रदान करा दी, लाओ मुझे भीम की गर्दन दो, मन करता है मसल के इसको तोड़ डालो। तो सबसे बड़ी जो मुख था वो ला करके दिया। जैसे ही दुर्योधन ने दबाया, जैसे खरबूजा दबाकर टूट जाता है, ऐसे तुरंत सारा टूट गया। तो दुर्योधन रोने लगा, ये क्या किया तुमने अश्वत्थामा, मेरी दुश्मनी पांडवों से थी, पांडवों के पुत्रों से नहीं, ये तो पांडवों के पुत्रों की गर्दन है। अश्वत्थामा, ये तुमने क्या किया, मेरा वंश नाश कर दिया, मेरा वंश समाप्त कर दिया, कहके रोने लगा। अब ये हंसा भी था और रोया भी था, एक ही काल दोनों स्थिति उत्पन्न होने से दुर्योधन की मृत्यु। अब जो अश्वत्थामा था वो घबरा गया। इधर पांडवों को मालूम पड़ गया कि टेंट में घुस करके किस प्रकार से मार्मिक मृत्यु कर डाली, हत्या कर डाली है मेरे पुत्रों की। अर्जुन बड़े क्रोध में भर करके अपने रथ को लेकर के भागे भगवान कृष्ण के साथ और पकड़कर द्रोणाचार्य के इस पुत्र को, जिसे ब्रह्म बंधु कहा गया। ब्राह्मण तो था लेकिन ब्राह्मण के कार्य नहीं थे। जो व्यक्ति ब्राह्मण तो हो लेकिन ब्राह्मण के कार्य नहीं है, लोगों को शर्म नहीं आती, ब्राह्मण जाति लिखते हैं, ब्राह्मण बताते हैं, लेकिन लहसुन प्याज मांस मदिरा सिगरेट शराब क्या कुछ नहीं कर रहा। तो इस तरह से अगर कोई अपने जाति ब्रह्म हो जाता है, जाति से विचलित हो जाता है और कार्य को नहीं पूर्ण करता है, तो वो ब्राह्मण कहलाने योग्य नहीं, ऐसे व्यक्ति को ब्रह्म बंधु कहते हैं। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य रूपी ब्राह्मण का पुत्र तो था लेकिन उसके कार्य ब्राह्मण वाले नहीं थे, हत्यारा था, इसलिए उसे ब्रह्म बंधु कहा गया। उसको पकड़ लिया रस्सियों में और खींच करके अर्जुन लाकर के द्रौपदी के सामने रख दिए, बोले लो जैसे इसने तुम्हारे पुत्रों की गर्दन काटी है, तुम भी इसकी गर्दन काट। लेकिन द्रौपदी जो थी, उनका चरित्र इतना सुंदर भागवत में वर्णन किया, इनके जैसी और पवित्र कोई आध्यात्मिक स्त्री नहीं हुई। द्रौपदी ने उच्चारण करके कहा, जैसे ही देखा कि अश्वत्थामा को बांधकर अर्जुन उसके सामने ले आए हैं,
वो जोर जोर से कहने लगे, मुच्यता मुच्यतामेशा ब्राह्मणो नितराम गुरु। ब्राह्मण नितराम गुरु, मुच्यताम, छोड़ दो छोड़ दो, क्यों पकड़ा है तुमने। ये इसी अध्याय के अंदर 43 नंबर श्लोक इस सातवें अध्याय का वर्णन करता है, प्रथम स्कंद सातवां अध्याय 43 नंबर श्लोक। मुच्यताम मुच्यतामेशा नितराम ब्राह्मणों गुरु, ब्राह्मणों नितराम। ये जो ब्राह्मण के जो गुरु थे द्रोणाचार्य, उनका पुत्र है। जिस प्रकार मैं अपने पुत्र के मारे जाने पर दुखी हो रही हूँ, उसी प्रकार इसकी माँ द्रोणाचार्य की पत्नी कृपि भी दुखी होंगी। तो कृपया कर इसको क्या करो, मुक्त करो। अब अर्जुन कृष्ण को देख रहे थे, क्या मैं मुक्त करूं? कृष्ण कह रहे थे मारो। भीम कह रहा था अर्जुन अगर तू नहीं मारेगा तो मैं मार दूंगा। यहां पर बड़ा ही आवेश क्रोधावेश था सभी पांडवों के अंदर। अर्जुन एकदम सही पात्र है। द्रौपदी दिखाई गई कि स्त्री कभी कभी मन की बात सुनती है, दिल की बात सुनती है, लेकिन शास्त्र की बात के अनुसार नहीं चलती है। तो यहां पर दिखाया गया कि द्रौपदी भी अपने कार्य से विचलित है, लेकिन वहां उनकी ह्यूमैनिटी दिखाई गई, उनकी विनम्रता दिखाई गई है कि देखो इतना गुनाह करने के बाद भी कितनी बड़ी उनके अंदर फॉरगिवनेस, क्षमाशीलता है कि वो माफ करने को तैयार है। लेकिन शास्त्रोचित नहीं है द्रौपदी। शास्त्र के अनुसार ब्रह्म बंधु को दंड मिलना चाहिए। इस व्यक्ति जिसने गलत किया उसको दंड मिलना चाहिए। कृष्ण कह रहे दंड दो, भीम कह रहे मार डालो, अर्जुन विचलित है, भीम की सुनो, द्रौपदी की मानो, छोड़ दो कि कृष्ण की मानो, दंड दो। तो अर्जुन बिल्कुल सही व्यक्ति है जिनको गीता का ज्ञान दिया गया। अर्जुन ऐसे भक्त हैं, उन्होंने सही निर्णय लिया, एकदम परफेक्ट। उन्होंने उसके बालों का मुंडन कर दिया, आधी दाढ़ी आधी मूछ काट दी, और मस्तक में जो मणि थी जिसके कारण उसके पास ब्रह्मास्त्र चलाने की शक्ति थी, उस मणि को भी अपने तलवार से निकाल लिया और शक्तिहीन करके उसे छोड़ दिया। भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे कि अर्जुन इससे अच्छा और कोई दंड नहीं हो सकता था इस ब्रह्म बंधु के लिए, क्योंकि ब्राह्मण था तो उसने हत्या नहीं करी तो ब्रह्म हत्या से बच गए। द्रौपदी की इच्छा थी कि मुच्यताम मुच्यतामेशाम, इसको छोड़ दो, तुमने छोड़ दिया, और मैं चाहता था कि इसको दंड दो, तो तुमने इस व्यक्ति के साथ जो करना चाहिए था बिल्कुल सही कहा। अब ये किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं। और लोग कहते हैं कि अश्वत्थामा चिरंजीवी है, उनको वरदान मिला है कि वो इस युग में, इस कलयुग में चिरंजीवी रहेंगे, जीवित रहेंगे। इसलिए आज भी कई जगहों पर अश्वत्थामा को कुछ लोगों ने देखा है, ऐसा वर्णन आता है। शास्त्र में इसका वर्णन नहीं है, परंतु लोग ऐसा कहते हैं, हमने अश्वत्थामा को विचरण करते देखा है, इसके मस्तक से हमेशा रक्त निकलता है और वो हमेशा दुखी होकर के घूमता रहता है, विचरण। तो अब देखना चाहिए कि हम कभी ऐसे गलत कार्यों को ना करें जिसका दंड भी बड़ा भयानक होता है। तो करने से पहले विचार करना चाहिए कर्म योग्य क्या है, करने योग्य क्या नहीं। इसलिए शास्त्र और पुराणों की दृष्टि हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए भागवत पुराण सुनते रहिए और इस भागवत प्रवाह में बहते रहिए, अपने जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्ण।